अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हमारा सफ़र हो रहा है कराची से हैदराबाद। लेकिन आज के सफ़र में मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि अब कुछ लोग ट्रैवल करते हैं अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे, गाड़ियों पे ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे, जिस तरह से कोचेस में ट्रैवल कर लिए, और जो है उसके अलावा जो है डोम में जाते हैं। तो डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं जिसके ऊपर जो ना लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर बंदा अपनी ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए यह है कि अगर आपको अपना फ्यूल बचाना हो तो उसकी क्या टेक्निक है, क्योंकि गाड़ी चलाना हर बंदा चला लेता है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से चलाना जिससे आपका फ्यूल भी बच जाए और आप सुकून से अपनी मंजिल पर पहुँच जाए, उसके लिए एक कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आप टेक्निक यूज़ करेंगे, उसके बाद जो आप इजीली जो है आप अपना फ्यूल भी बचा सकते हैं और आप अपनी मंजिल पर भी आराम से पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। अभी इस वक्त आप देखें कि मैं जो है 60 की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, और इस वक्त मैंने जो है फोर्थ गियर डाला हुआ है और फोर्थ गियर के बाद मैं डालूँगा इस पर फिफ्थ गियर, जो कि डबल टॉप होता है। अब बात दरअसल यह है कि आप अपनी गाड़ी पे जितनी एक्सेलरेशन ज़्यादा देंगे उसमें ये होगा कि आपका जो है ना एवरेज कम आएगा। अभी इस वक्त मैंने पैडल पे जो ज़ोर लगाया हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे एवरेज इस वक्त 14 और 15, 16 इतना दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं पैडल के ऊपर बहुत ही लाइट प्रेस करता हूँ, अपने पैडल को लाइट ही प्रेस करता हूँ, तो जो है ना मुझे एवरेज बहुत अच्छा देगा, जैसे कि 20 भी दे सकता है, 21 भी दे सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से गाड़ी को चला रहे हैं। तो ये हम रास्ते से जा रहे हैं और इस वक्त मैं फोर्थ गियर पे हूँ, अभी मैं फिफ्थ गियर पे मैंने गाड़ी को डाला है। अभी इस वक्त आप देखें मैं जा रहा हूँ 13 किलोमीटर पर लीटर, 13, 12, 13, क्योंकि इस वक्त मैंने जो है ना एक्सेलरेशन ज़्यादा दी है, इस वजह से मुझे एवरेज जो है ना ज़रा सा कम मिल रहा है। अब जिस तरह से मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, अभी मैं जैसे ही अपना पैडल और ज़ोर से प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो है एवरेज और कम आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी 10 आ गया, 10.7 किलोमीटर पर लीटर बता रहा है, इसका मतलब एवरेज जो है ना कम दे रहा है, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन ज़्यादा दी है। गाड़ी के अंदर होते हैं 4 वाल्व, जब हम 100 बिलो होते हैं तो 2 वाल्व काम करते हैं, जिससे जो है ना फ्यूल का गाड़ी की इंजन को सप्लाई होता है। जैसे ही हम 100 क्रॉस करते हैं तो फिर गाड़ी के जो चारों वाल्व होते हैं, 4 वाल्व खुल जाते हैं और उसके बाद उसकी फ्यूल की जो पंपिंग जो होती है वो सारी जो है कम्प्लीटली उस इंजन को मिलती है, ताकि गाड़ी और तेज़ी से मूव करे। अभी आप देखें कि मेरी गाड़ी एवरेज दे रही है तकरीबन 25-23 किलोमीटर पर लीटर। तो यही होता है कि गाड़ी को आप किस तरह से चलाएं, जिससे यह है कि आपका फ्यूल भी बच जाएगा और आप स्मूथली अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। तो गाइस ये थी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आप अपनी कार में जा रहे हैं, आपको फ्यूल बचाना है और आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, तो किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूल नहीं बचाना, आपने कहना है कि भाई मुझे जल्दी से पहुंचना है अपनी मंजिल पे, तो फिर आप फ्यूल की टेंशन ना लें, बस फिर आप अपनी गाड़ी को भगाएं और फिर आप फिफ्थ गियर पे चलाएं और उसको फुल स्पीड आप दें, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये है कि आपका जो है ना फ्यूल वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो फ्यूल बचाना है तो उसका यही हल है, और इट डिपेंड्स, क्योंकि जो इस वक्त रेट चल रहा है वो रेट काफ़ी हाई है, रेट हाई है तो इस वजह से फिर बंदे को थोड़ा सा इकोनॉमिकल होना लाजमी है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब का बटन एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।